नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप भी कंप्यूटर लैपटॉप में कोई फोल्डर क्रिएट कर रहे हो और यहाँ पे आपको आ रही है दिक्कत, यहाँ पे कह रहा है द न्यू फोल्डर कुड नॉट बी क्रिएटेड इन दिस लोकेशन, द डिवाइस हैज़ ईथर स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग और हैज़ बीन डिसकनेक्टेड। तो उसका क्या मीनिंग है, आइए जानते हैं। तो उसका एक ही रीज़न है, वो मैं आपको बता देता हूँ। शायद आपने अपने सिस्टम यानी कंप्यूटर या लैपटॉप से कोई भी डिवाइस कनेक्ट करा होगा, जैसे कि मोबाइल, तो आपने उसे कनेक्ट तो कर दिया है, या तो वो डिसकनेक्ट हो गया है या आपने उसे सही तरीके से कनेक्ट नहीं करा है। यूएसबी से कनेक्ट करने के बाद हमें उसका स्क्रीन लॉक ओपन करना पड़ता है, यानी हमने जो पैटर्न क्रिएट कर रखा है उसमें वो ओपन करना पड़ता है। साथ ही में उसमें अगर परमिशन मांगता है ऊपर की तरफ से नोटिफिकेशन बार की तरफ से, तो यहाँ पर हमें ट्रांसफ़र फाइल्स की परमिशन भी देनी होती है, तभी जाके ये ऑप्शन काम कर पाएगा। और अगर हम कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू फोल्डर बन पाएगा। तो शायद आपको समझ में आया होगा और ऐसा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं।